गाइज, आई एम शिवम गुप्ता। वेलकम टू मॉक जोन एमबीए प्रिपरेशन। सो गाइज, फाइनली एमबीए सीईटी एग्जाम इज ओवर। सो गाइज, अब काफी लोग पिंग्स हैं, काफी ग्रुप्स से बातें हो रही हैं कि अब सीईटी हो गए तो क्या किया जाए। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, हर साल होता है। तो गाइज, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, बिकॉज आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन दी जाएगी। बिकॉज काफी लोग सीईटी के बाद बहुत वेट करते हैं, रिजल्ट वगैरह का टाइम वेस्ट करते हैं अपना, सोचते हैं काफी पढ़ाई करी, थोड़ा आराम कर लिया जाए। बट एक्चुअली में इस टाइम में आपको बहुत कुछ करना चाहिए, बिकॉज अब ऑलरेडी सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं और आपने सीटी की तैयारी करी हुई है, तो आप फ्लो में हो, तो फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बात करने वाले हैं इस बारे में। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो बना जाएगा, काफी लोग हेल्प हो जाएगी। सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट ए स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो, बीट ए कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट ए नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। चलो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन करना। और ग्रुप्स के लिंक भी दे दूंगा मैं, वो सब ज्वाइन कर लेना, एनमैट स्नैप जितने भी एग्जाम्स हैं। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, देखो बात क्या है कि आपका एमबीए सीईटी एग्जाम हो गया है, तो अब आपके पास ऑप्शंस क्या है कि आप रिजल्ट का वेट करो, आपके रिजल्ट आपका कैसा एग्जाम गया उसके अकॉर्डिंग, एंड आपको बाकी एग्जाम्स कौन से देने चाहिए। ठीक है, देखो पहली बात ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास नेक्स्ट कोई ऑप्शन है ही नहीं, उनको ड्रॉप करना नहीं है, क्योंकि सीईटी के बाद जितने भी एग्जाम्स हैं आप, वो आपको नेक्स्ट ईयर एडमिट के लिए हैं, 2023 में आपका एमबीए स्टार्ट होगा उसके लिए। बट सीईटी जो था वो इस साल का था, तो अगर आपका इस साल का ही है, आपको जो मिल जाए लेना पड़ेगा, सीईटी से तो आपका ऑप्शन ही नहीं। फिर तो आप सीईटी रिजल्ट का वेट करो और सीईटी से आपको जो मिलता है ले लो। ठीक है, बात करते हैं उन लोगों की जिनका जिन्होंने सीईटी दिया बट उनके पास कुछ चांस है कि अगले साल भी एग्जाम्स दे सकते हैं। तो गैस, अगर बात करूं मैं एग्जाम्स की, तो आपको कौन कौन से एग्जाम्स देना चाहिए जो मैंडेटरी देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, वो है आपका एनमैट, स्नैप। ये दोनों बहुत ही टॉप के कॉलेजेस हैं, एग्जाम्स हैं, ये आपको देने चाहिए। इसके बाद बैकअप एग्जाम्स हैं सीमैट, SRCC, GBO। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर का सीईटी अगर देना चाहो दे सकते हो, बट ये चार एग्जाम्स आपको हर हाल में देने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है गाइस, देखो इन चारों में से दो दो एग्जाम्स जो हैं, ये एग्जाम्स ऐसे हैं कि इन कॉलेज में आप चले गए अगर, तो आपका अलग लेवल का हो जाएगा, क्योंकि एनमैट से आपको मिलता है टॉप कॉलेज NMIMS मुंबई, स्नैप से आपको मिलता है SIBM पुणे, SCMHRD। NMIMS मुंबई जो है उसका एवरेज पैकेज 20+ है, SIBM पुणे का पैकेज 24+ है, और SCMHRD का 20+ है। तो इन चारों एग्जाम में ये तीन कॉलेज ऐसे हैं जो आपको 20 लाख का पैकेज अभी भी दे सकते हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं सीटी खराब गया, जेबी नहीं मिला, आप क्या करें, तो गैस अभी भी आपके पास चांस है, नो डाउट। जेबी नहीं, बट ये लोग ये एग्जाम्स भी कम नहीं है, ये कॉलेजेस भी कम नहीं है। NMIMS मुंबई, SIBM पुणे, SCMHRD, ये तीन वो कॉलेजेस हैं जो आपको 20 लाख का पैकेज तो देंगे ही, साथ में ब्रांड देंगे, एंड यू विल बी ब्रांडेड फॉर लाइफ। क्योंकि जब आपको पैकेज अच्छा मिलता है तो उसके साथ ग्रोथ भी काफी आता है। इवन मैंने देखा लोगों को 70-60% तक का ग्रोथ मिल जाता है 1-1.5 साल काम करने के बाद। मेरे साथ खुद के फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कर रखा है इन कॉलेजेस से। बाकी गैस बैकअप एग्जाम जो है वो आपके सीमैट है। सीमैट से देखो, JBIMS की बात नहीं करूंगा, बिकॉज JBIMS मिलता है 4-5 लोग को खाली। ठीक है, तो उसके अलावा जो कॉलेजेस हैं जो आपको बैकअप के लिए हैं, बिकॉज आपको ऐसे एग्जाम्स देने हैं, आपको बैकअप भी रखना है, आपको सिर्फ अच्छा नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि अगर मान लो बाई चांस हमारा स्नैप निकल गया बट कन्वर्ट नहीं हुआ तो क्या करोगे। तो सीमैट से आपको क्या मिलता है, सीमैट से आपको IFMR, जिम गोवा, ग्रेट लेक्स चेन्नई, केजो समैया, ठीक है, ये सब मिलते हैं, वेलिंकर वगैरह। तो ये 4-5 कॉलेज ऐसे होते हैं जो आपको 8 से 10 लाख का पैकेज दे देंगे, इसलिए सीमैट देना जरूरी है। इवन एनमैट से भी, NMIMS मुंबई के अलावा भी कॉलेजेस हैं। NMIMS के बाकी कैंपसेस में बैंगलोर को मैं एक बार को बोल सकता हूँ ठीक है ले लो, बट थोड़ा कॉस्टली है, बट अगेन लॉन्ग रन में सही हो जाएगा। ठीक है, बट उसके अलावा जो कॉलेजेस अभी नए कॉलेजेस जो आए हैं, वो IFMR ऐड हुआ है, केजो समैया ऐड हुआ है एनमैट से, और टापमी इस बार ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये कॉलेजेस भी हैं। तो एनमैट से अगर मैं बताऊं कौन से कॉलेज NMIMS मुंबई के अलावा हैं, वो आपके हैं केजे सोमैया, ठीक है, टापमी, उसके अलावा फिर आपका IFMR और आपका XIMBHR। ये चार कॉलेज हैं जो डिसेंट है, एनमैट से मिलते हैं। ठीक है, सीमैट आपका हो गया, सीमैट बताइए जो देना चाहिए। SRCC GBA मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, इसका रीजन क्या है, इसका टोटल फीस या टोटल एक्सपेंस है वो 5.5 लाख के अराउंड है, और एवरेज पैकेज जो जाता है वो अराउंड 10 लाख जाता है, तो आपके ऊपर लोन नहीं रहेगा कोई। ठीक है, तो SRCC GBO में सबको बोलूंगा आपको देना चाहिए। SRCC GBO में आपका 75% वेटेज स्कोर का भी होता है, तो GDBI का भी दिक्कत नहीं आता है, और काफी लोग निकल जाते हैं। तो गाइस, मैं आपको पहली बात ये बोलूंगा, सीईटी के रिजल्ट का बिल्कुल वेट मत करूँ आपका, जैसा भी एग्जाम गया, बिकॉज कभी कभी आपका एग्जाम अच्छा गया उसके बाद भी कभी कभी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आप करीब 1 महीना वेस्ट कर दोगे अपना। सीईटी रिजल्ट की अगर बात करूं तो ये मान लो 15 सितंबर तक आएगा वो। लास्ट ईयर भी रिजल्ट, लास्ट ईयर 18 सितंबर को एग्जाम हुआ था, मेरे ख्याल से पहली बार जो रिजल्ट लीक हुआ था वो 3-4 अक्टूबर को हुआ था, मुझे ऐसा याद आ रहा है कुछ।
वो आना उसी टाइम था, बट केस हो गया था सीईटी के ऊपर, इसलिए वो रिजल्ट लेट आया था, अराउंड 28 से 29 अक्टूबर को आया था। बट आइडियल टाइम जो सीईटी का होता है नॉर्मल तरह से, वो होता है 15 दिन, तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट 15 तक आ जाना चाहिए, मतलब बहुत मैक्सिमम बता रहा हूँ 15 तक, 15 पहले ही आ जाना चाहिए बल्कि, ठीक है। बिकॉज कई बार तो ऐसा हुआ है कोविड के पहले कि आपका 10 तारीख को एग्जाम हुआ है और 18 तारीख को रिजल्ट आ गया है, खैर 8 दिन में तो शायद नहीं आएगा, बट हाँ मान लो कि आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाना चाहिए 15 तक किसी भी हाल में, 15 सितंबर तक, ठीक है। तो गैस पहली बात तो ये है कि आप एक स्ट्रक्चर में तैयारी करो, एमबीए सीडी में जेबीआईएमएस नहीं मिलागा ना अगर आपको, तो आपको जो कॉलेज मिलेंगे वो ज्यादा काम के नहीं है। सिमसरी मुंबई नो डाउट अच्छा है इसलिए है क्योंकि फीस कम है, आप 2 लाख दे के 10 लाख का पैकेज ले रहे हो, ठीक है बढ़िया है, मिल जाएगा तो ले लेना, बट अभी आप इन कॉलेज में ध्यान दो अगर आपके पास अगले साल का चांस है, बिकॉज ब्रांड एंड पैकेज की बात है, ठीक है। सिमसरी का कट ऑफ ज्यादा इसलिए जाता है क्योंकि हम लोग लिए सीट्स कम है वहाँ पे, ऑल इंडिया सीट्स 15% है खाली, इसलिए हम लोग का कट ऑफ 99.96 आता है, बात यह है बस, ठीक है। बाकी जो ब्रांडेड वाला कॉलेज है वो जेबीआईएमएस ही है। तो गैस जो लोग तैयारी कर रहे हैं मैं उनको बोलूंगा आप एक भी दिन वेस्ट मत करो गैस, पूरा ब्लाइंडली आप फॉलो करो एनमैट स्नैप सीमैट की तैयारी, और सीमैट एसआरसी जीपी तो हो ही जाएगा। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, क्वांट्स एलआरडीआई वीआरसी ये सारे नॉन गेट एग्जाम्स का सेम होता है, बट आपको वैरायटी में घुसना पड़ेगा, आपको हर क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है, हर चैप्टर को ऐसे पढ़ना है कि सारे के सारे क्वेश्चन उसी चैप्टर से आने हैं, जब तक ये नहीं करोगे दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, कोई कॉलेज अगर आपको 24 लाख का पैकेज दे रहा है तो ऑब्वियसली तो कुछ करेगा ऐसा, क्या पता स्नैप इस बार 8 क्वेश्चन ग्राफ्स के आ जाए, क्या कर लोगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे। आपने खुद एग्जाम्पल देखा है सीईटी का, 15 क्वेश्चन नंबर्स के आए फिफ्थ स्लॉट में, फोर्थ स्लॉट में, फर्स्ट स्लॉट में अर्थमेटिक आई खाली, तो ये तो होना ही होना है। तभी मैं शुरू से बोलता हूँ आपको डिटेल में पढ़ना है, घुस जाओ पूरा उसके अंदर, और हर चैप्टर में, हर चैप्टर की वैरायटी प्लस हर सब्जेक्ट की वैरायटी, वोकैबुलरी वगैरह बहुत पढ़ो, वोकैबुलरी कोई लिमिट ही नहीं है, डेली आप वोकैब पढ़ो, इतनी सारी मोबाइल ऐप्स है वहां से पढ़ो, ठीक है जितना पढ़ो, और वोकैब ऐसा नहीं है कि अब वोकैब आपने 3,000 वर्ड कर लिए तो आप हो गया, कुछ कुछ नहीं होगा उससे, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा वोकैब, तब होगा वोकैब, आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी कि वोकैब अच्छी करनी है। अगर आप ये सोच के पढ़ोगे कि हमको एग्जाम निकालना है तब पढ़ना तो नहीं पढ़ पाओगे, अगर आप जनरली अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए करोगे ना तभी आपका निकलेगा इंग्लिश, और इंग्लिश होता बहुत ईजी है, बट हम लोग का मेंटेलिटी क्या होती है कि हम लोग इंग्लिश इसलिए पढ़ते हैं कि हम लोग को एग्जाम निकालना है, नो डाउट एग्जाम निकालना सबको पता है, बट आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी इंग्लिश की, बिकॉज इंग्लिश बहुत वास्ट है गाइस, तो वोकैब को तो एक हैबिट बना लो, क्या आपको 15-20 मिनट तो पढ़ना ही है, बहुत सारी वोकैब की एप्लीकेशन है, मैं बनाऊंगा वीडियोस पे, क्योंकि मुझे पता चल गया है, क्योंकि सीडी में इतनी सारी वोकैब आई है ना, इतने अच्छे वर्ड्स आए थे कि लगता है यार कि वोकैब किसी को अगर आती है, किसी की हैबिट है तो वो काफी अच्छे कर सकता था सीडी में, और इस बार का सीडी जो आया है गाइस, मतलब जो इजी स्लॉट थे उसमें तो किसी ने अगर सब कुछ कर लिया है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि यार कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपने ना देखा हो, इतना इजी पर आया था सीडी का, नो डाउट कट ऑफ ज्यादा जाएगा, बट कुछ नई चीज नहीं आई थी, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही इजी थे, मतलब बहुत ही बेसिक वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। तो गाइस ये एग्जाम से फोकस करो, लग जाओ अच्छे से, ठीक है, सीडी होता है तो बढ़िया है, बट अभी आप टाइम वेस्ट मत करो, काफी लोग ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि आपके लिए एक एक दिन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको गाइस मॉक्स भी देने हैं, आपको टॉपिक टेस्ट भी देने हैं, सब कुछ करना है आपको अच्छे से, डेटा सफिशिएंसी सब पढ़ना है, और एनमैट देने से पहले 12 मॉक्स दे के जाना, स्नैप देने से पहले 15 मॉक्स मिनिमम देके जाना फर्स्ट अटेम्प्ट में, तब होगा कुछ, और मॉक्स तभी देना जब आपका हो गया हो, काफी बच्चे लगातार गलती ये कर रहे हैं, खाली मॉक्स से मॉक्स दे रहे हैं, मॉक्स देने से खाली कुछ नहीं होगा, वैरायटी कवर नहीं करी, तो मॉक्स दोगे वही आपका नंबर आएगा 25 26 30 स्नैप में, जब तक आप वैरायटी नहीं करोगे दिक्कत आएगी। एनमैट के मॉक्स आप स्टार्ट कर सकते हो अक्टूबर से, और स्नैप के मॉक्स स्टार्ट कर सकते हो नवंबर से आप, बट पहले आप सिलेबस कवर करो अपना पूरा अच्छे से, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा, स्नैप में अगर 40+ मार्क्स मॉक्स में आ रहा है बहुत अच्छी जगह जा रहे हो आप, ठीक है, और आ सकता है, कोई अगर आज से भी स्टार्ट करता है ना स्नैप की प्रिपरेशन एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट के साथ, तो कट ऑफ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो टॉप भी कर सकता है एग्जाम, लोगों को डाउट लगेगा इस बात में, लोग सोचेंगे इतना ईजी कैसे, गैस ये बात समझनी पड़ेगी, एमबीए जो है वो एमबीए में दिमाग कम चाहिए होता है, स्ट्रक्चर प्रिपरेशन ज्यादा चाहिए होता है, आईआईटी नहीं एमबीए, लोग 3 3 4 4 साल रिपीट करते हैं, इसका ये नहीं कि लोगों के पास दिमाग नहीं है, बट लोग बहुत ज्यादा गलत तरह से पढ़ते हैं, लोग वैरायटी भी ध्यान देते हैं, वैरायटी भी क्या मतलब, लोग इतना ज्यादा डाइवर्ट होकर पढ़ते हैं ना, जो मिला वो पढ़ लिया, और फिर मॉक्स देते हैं पढ़ती है, इम्प्रूव कुछ नहीं करते, उनका भाई 25 नंबर आ रहा होता है स्नैप पे, तो कुछ बच्चों को मैं जानता हूँ 4 4 साल से ग्रुप में है अपने, और 4 4 साल से लगातार स्नैप दे रहे हैं, उसके आगे कुछ नहीं कर पा रहे, रीजन ये कि आप लोग गलत तरह से पढ़ते हो, तो स्ट्रक्चर में करोगे तैयारी अच्छे से करोगे निकल जाएगा एग्जाम, पहली बार में निकालो, काफी बच्चे होते हैं जो 21 22 साल में स्नैप एसआईबीएम पुणे पढ़ रहे हैं, ऐसा यही है कि उन्होंने सही टाइम पे सही चीज करी, ठीक है, कुछ चीजें आपकी तरफ से गलत होती हैं और कुछ चीजें आपको मिसगाइड हो जाती हैं आपसे, ठीक है, तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो गैस जिन्होंने सीईटी दिया है उनको मैं बोलूंगा कि ये 4 एग्जाम टारगेट करो, बट मैं आपको एक चीज और बोलूंगा कि आप एटलीस्ट कैट का एग्जाम भर जरूर देना, कैट आप चाहे पढ़ो मत,
कैट में क्वांट्स आप कर ही लोगे इनसे, अगर आप ये तैयारी कर रहे हो क्वांट्स आपका हो जाएगा, वीएआरसी आपका मैनेज हो जाएगा अगर आपको थोड़ी बहुत रीडिंग आती है, एलआरटीआई चेक कम करो। कैट देने का फायदा क्या है ना गाइस, बैकअप है, 85% भी अगर कैट में आ गया तो आपको केजे समैया टापनी से वैसे ही बुला लेंगे, जो एनमैट और स्नैप से एनमैट सीमेंट से बहुत हाई में मिलते हैं। तो कैट में देने को सबको बोलूंगा, बट कैट के लिए पढ़ो मत आप, पढ़ो आप नॉन कैट के लिए, बट कैट दे जरूर देना मैं बोलूंगा आपसे, क्योंकि कैट तो ये बचा लेता है, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब क्वांट्स लेवल सेम ही हो रहा था उस जगह। बाकी गाइस अगर स्ट्रक्चर में पढ़ना चाहते हो, देन हम लोग का लास्ट बैच स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से एनमैट स्नैप एंड नॉन कैट का, आप इसको देख सकते हो। एक एक चीज एक्सट्रीमली डिटेल में पढ़ाई जाती है, जैसे बोला जा रहा है वैसे पढ़ाई करोगे मैं मान ही नहीं सकता ना नेट एग्जाम, क्योंकि हम लोग कोई भी वैरायटी छोड़ते नहीं है स्नैप में। अभी सीडी में भी काफी अच्छे रिव्यूज थे, रीजन क्या है मुझे पता था, बिकॉज हर चीज काफी डिटेल में पढ़ाई गई थी, इवन पेपर ज्यादा ईजी आ गया, हम लोग ज्यादा अच्छा सोचा था पेपर, बट स्टिल कोई बात नहीं है। तो गैस अभी से स्टार्ट करो, एक ढंग से करो, एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल प्राइसिंग है, आप एनमैट स्नैप के फॉर्म्स के लिए कम से कम 12 से 13 हज़ार रुपये देने वाली हो, इसमें आपका मॉक्स भी इंक्लूडेड है एनमैट स्नैप का जो 2200 का है, और जीडीपीआई दोनों का इंक्लूडेड है, एनमैट का भी इंक्लूडेड है स्नैप का भी इंक्लूडेड है। जीडीपीआई की कॉस्ट कम से कम 3 से 4 हज़ार होगी, बिकॉज एनमैट का फॉर्म फिलिंग स्नैप का सबका आपका वो सब रिव्यू वगैरह हर चीज है, ठीक है, तो ये पूरा रहेगा आपका। बाकी का एनमैट स्नैप की आपकी एप्लीकेशन फॉर्म्स की कॉस्ट बताई दी मैंने कि इतनी तो आएगी आएगी, बिकॉज इस बार स्नैप 3 साल का हो गया, 3 अटेम्प्ट का हो गया सॉरी, तो 6 हज़ार वही लग गए, बाकी 4 हज़ार के फॉर्म्स, ठीक है। तो इन्वेस्ट वाइजली एंड गेट ब्रांडेड फॉर लाइफ। बाकी का हम लोग का नॉन कैट बैच है, ये बहुत इकोनॉमिकल 9 हज़ार का कोर्स है, इसमें सारे नॉन कैट एग्जाम इंक्लूडेड है, इसमें आपको हार्ड कॉपी मिलती है बुक्स की जो घर पे आएगी, जीडीपीआई भी मिलता है आपको, ठीक है, और इसकी कॉस्ट कम से कम 17 हज़ार रुपये होनी चाहिए, बिकॉज ये आपका अभी से लेकर अगले साल जितने एग्जाम्स है, सीमैट एनमैट स्नैप आईएफटी जितने एग्जाम्स हैं सबके कोर्सेस, सबकी टेस्ट सीरीज, सबका जीडीपीआई, सब कुछ मिलेगा आपको उसमें। इसका भी जो बैच है वही 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, बढ़ा दिया था हमने, वही लास्ट बैच है गाइस, ठीक है। तो आप इंक्वायर कर सकते हो, आपको ब्रोशर रिव्यूज डिटेल्स डेमो वीडियो सब मिल जाएगा, स्टार्ट करो गाइस ढंग से, एक स्ट्रक्चर में पढ़ना बहुत जरूरी गाइस। बाकी रिव्यूज देख सकते हो आप लोग, अभी इसी बार के लेटेस्ट रिव्यूज है सीईटी एग्जाम के, ठीक है, काफी रिव्यूज हैं, मैं 2 ही 3 रिव्यू डाले हुए हैं, ठीक है, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा देख के, उसके बाद आराम से बहुत सर के देखो आप, ये पुराना रिव्यू लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर तो रिजल्ट है, लास्ट ईयर तो हम लोग की लाइव क्लास होती ही नहीं थी, इस बार वी एक्सपेक्टिंग लॉट मोर रिजल्ट्स, ठीक है। बाकी हम लोग का सीमैट का लाइव क्लास का रिजल्ट है, ठीक है, चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बाकी मेरा नंबर यू कैन व्हाट्सएप एट दिस नंबर, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा, ठीक है, और अच्छे से करो तैयारी, हो जाएगा बढ़िया, चलो गाइस बाय।